अभी हम लोग भारत के लेबर का कुछ प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम पर कुछ डिस्कशन करते हैं। आज़ादी के पहले 1908 में लेनिन ने कहा था कि भारतीय मजदूर इतना ज़्यादा परिपक्व हो गया है कि हमारा भारतीय जनसंघर्ष ये खुद चला सकते हैं। ये असल में भारतीय जो नेशनल मूवमेंट था, इसमें मजदूरों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें 1926 में ट्रेड यूनियन बना, ट्रेड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया और बहुत सारे आंदोलन सफल भी हुआ और हम लोग का देश 1947 को आज़ाद हो गया। मजदूरों की स्थिति देश आज़ाद होने के पहले बहुत ही ख़राब थी और देश आज़ाद होने के बाद कुछ समय तो कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फिर से बंधुआ मजदूर के कैटेगरी में आ गए मजदूर। जो संगठित क्षेत्र में जो है जो संगठित क्षेत्र में जो कल कारखाने और मजदूर जो हैं उन लोगों का तो स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिया जाता है उसमें मजदूरों को बहुत ही शोषण किया जाता है और ये 1991 के बाद और बहुत ज़्यादा हो गया। अभी इसके बाद क्या हुआ है कि जितने भी प्राइवेट संस्था हैं, प्राइवेट फैक्ट्री हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थान भी बहुत सारे हैं, अब ये लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट एजेंसी और आउटसोर्सिंग से लेबर को लेते हैं, इन लेबर से बहुत ही कम रेट में काम कराया जाता है और इनका असल में यूनियन भी कुछ नहीं है। यूनियन वाइज तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ये तो बंधुआ मजदूर की तरह है, इन लोगों का कोई यूनियन नहीं है और इन लोगों का सैलरी भी बहुत कम से कम दिया जाता है, इसका कोई सुनवाई कोई नहीं करने वाला है। अभी तो लेबर लॉ भी बहुत कमज़ोर कर दिया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय जो मजदूर हैं उनकी स्थिति धीरे धीरे बहुत ही ख़राब होते जा रही है और ये हम लोग गरीब देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस पे सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन पर एक नियम बनना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो रखते हैं उन पर थोड़ा सा सख्ती बरता जाए, वो अपना सैलरी सही समय से दें और मजदूरों का स्वास्थ्य वगैरह पर ध्यान दें और इस तरह सरकार को सख्ती बरतना चाहिए। केवल पूंजीवाद से काम नहीं चलेगा, सरकार को हम लोगों को थोड़ा मजदूरों पर भी ध्यान देना होगा। मजदूर वर्ग हम लोग के देश के अगर कमज़ोर हो जाएगा तो देश की स्थिति भी ख़राब होगी और इस तरह देखते हैं कि मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे प्राइवेटेशन प्राइवेट कर दिया जा रहा है, सारे संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि प्राइवेट संस्था में सारे कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर काम किया जा कराया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पे आने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम करवाते हैं, वो अपना मनमानी पेमेंट सैलरी वो देते हैं जो भी, और उन पर बहुत ज़्यादा शिकंजा भी नहीं कसा जाता है बहुत ज़्यादा और लेबर को इतना समय नहीं रहता है कि वे अपने डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के पास जाएं और जाने पर भी बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं होता है कि उस पर उतना डेट दिया जाता है, बहुत सारा डेट पर डेट उतना आसान नहीं है, इसलिए लेबरों का स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया है। इस तरह हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उन लोगों का स्थिति लेबरों का सही हो जाए और आगे इस तरह फिर आगे डिस्कशन करेंगे और आगे कुछ मुद्दों पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।